नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पत्रकारों का उत्पीड़न करते ही बर्दाश्त नहीं, पराकर स्मृति भवन में हुई बैठक में आंदोलन का निर्णय, तय हुई रूपरेखा, संघर्ष समिति का गठन। वाराणसी 2 फरवरी देश भर में पत्रकारों के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं से क्षुब्ध विभिन्न पत्रकार संगठनों की एक बैठक काशी पत्रकार संघ के पराकर स्मृति भवन में हुई। बैठक में वक्ताओं ने चौथे स्तंभ पर लगातार हो रहे हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। बैठक में तय हुआ कि पत्रकारों के सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, इसके लिए एक संयुक्त संघर्ष समिति के गठन का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ जल्दी एक दिन का उपवास कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें पूरे दिन उपवास रखकर पत्रकार अपने साथियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बैठक में यह भी तय हुआ कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए भी संघर्ष तेज किया जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आज पत्रकार पर चौतरफा हमला हो रहा है, एक तरफ उन्हें समाचार संकलन से रोका जाता है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। देश भर में पत्रकारों के खिलाफ हो रही दमनात्मक कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। वक्ताओं ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सच को उजागर करने पर जिस तरह से पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, उससे अब पत्रकारिता गंभीर संकट के दौर में पहुंच चुकी है। बैठक में वक्ताओं ने एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजनाथ तिवारी और संचालन महामंत्री मनोज श्रीवास्तव ने की। बैठक में काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार, सुभाष चंद्र सिंह, पूर्व महामंत्री डॉक्टर अत्री भारद्वाज के अलावा उपजा के विनोद बागी, अरविंद सिंह, आनंद मिश्र, भारतेंदु तिवारी, संघ के वरिष्ठ सदस्य जियालाल, जय नारायण मिश्र, राम मिलन श्रीवास्तव, मुन्नालाल सहानी, मोहम्मद अस्पाक सिद्दीकी, एके लारी, सुधीर गरोड़कर, अनिल कुमार जायसवाल, संजय कुमार सिंह, आनंद कुमार मौर्य, कमलेश चतुर्वेदी, सुरेश प्रताप, देव कुमार केसरी, सुनील शुक्ला, महेंद्र सिंह, राजेंद्र जायसवाल, विजय यादव, सुधीर दुबे, रविंद्र कुमार मिश्र आदि ने भी विचार व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज श्रीवास्तव।